नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी सर्दी में बहुत ही अच्छी लगती है और ये अपने शरीर को गर्मी देती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरा बाजरा का आटा लिया है। ये आटा ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है। एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आसानी से हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो जाए। आधी चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। पानी हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा आटा लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ बाजरे का आटा छान लेती हूँ। इसे छान कर ही काम में लीजिए आप। ये देखिए, मैंने गेहूं का और बाजरे का आटा छान लिया है। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल दूंगी। तो ये मैंने नमक डाल दिया। अब हम इसे नमक को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने गेहूं का आटा इसलिए डाला है इसके अंदर ताकि हमारी रोटी आसानी से बन जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इससे बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। देखिए, इस तरह से आप आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए और अच्छे से गूंद लीजिए। आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालती हूँ इसके ऊपर और फिर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। आज हम तीन तरह की बाजरा की रोटी बनाएंगे। मैं तीनों तरह से बना के बताऊंगी आपको। जो अच्छा लगे आप उससे बनाकर देख लीजिए। सबसे पहले हम आटे का लोई तोड़ते हैं और लोई तोड़कर इस प्रकार लोई बना लेते हैं। और आज मैं आपको चकले बेलन से बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर सूखा आटा लगा लेते हैं। और बिल्कुल फोरे फोरे हाथों से हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। हाथ एकदम हल्के रखिए और इस तरह रोटी बेल लीजिए। मैंने यह गैस तवा गरम करने रख दिया है। हमारा तवा करीब गरम हो चुका है, ये देखिए। और हमें ये रोटी थोड़ी मोटी बनानी है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनी है हमारी। ये मैंने तवे पर डाल दी है। गैस में हाई मीडियम कर दूंगी और इसे सिकने दूंगी। गैस मैंने तेज कर दी है, हाई कर दी है। तो मैं इस पर अच्छे से बबल्स आने पर इसको पलट दूंगी। आप इसे पीछे से अच्छे से सिकने के बाद ही पलटिए, गैस हाई रखिए। बाद में हम गैस मीडियम करके मीडियम गैस पर इसे सेकेंगे। ये देखिए, हमारी रोटी सिक चुकी है। तो मैं इसे पलट दूंगी और पलटकर थोड़ी देर में इसे हाई गैस पर सेकूंगी, फिर गैस मीडियम कर देंगे। आप इसे अगर मिट्टी के तवे पे सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, पीछे से ये सिक चुकी है। तो मैं गैस मीडियम कर दूंगी और मीडियम गैस पे करीब इसे 2 मिनट के तक हम अच्छे से सेकेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम हमारी रोटी हटाकर सेक लेते हैं। अब मैं इसे सेक लूँगी और सेकने के लिए मैंने सिम ही गैस रखी है और सिम गैस पर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह सेक लीजिए आप। ये देखिए, मीडियम गैस पर मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। ये हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरे तरीके से बाजरे की रोटी बनाना बताऊँगी। ये देखिए, अच्छे से सिक गई है। अब दूसरे तरीके से मैं आपको रोटी बनाना बताती हूँ। ये मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ा सा सूखा आटा हम पॉलीथीन पे डाल देंगे। ये पॉलीथीन पे बना रही हूँ मैं। और अब मैं पॉलीथीन को इसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह सूखा आटा डालकर और अब धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे बेल लूँगी। आप इसे आराम से बना सकते हैं इस तरह। और थोड़ी मोटी रखनी है हमें रोटी, ज़्यादा पतली रोटी अच्छी नहीं लगती है। और इसे बिल्कुल बारीक आंच में पहले फुल गैस पर सेकिए, फिर बारीक गैस पर सेक ली और पॉलीथीन पे से इस तरह हटाकर तवे पे डाल दीजिए। गैस फुल कर दीजिए और हमें इसी तरह इस रोटी को सेकना है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पर सेका। आगे और पीछे से अच्छे से सिक जाएगी
उसके बाद हम इसे पलट कर थोड़ी देर मीडियम गैस पर रखेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने अच्छे से सेक कर रख दी है, इसके घी लगा दिया है। अब मैं आपको तीसरे तरीके से रोटी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लग लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा गीला कर लिया है मैंने आटे को। अब हम हाथों पर हथेलियों पर पानी लगा लेंगे। दोनों हथेलियों पर मैंने पानी लगा लिया है। अब मैं लोई को अच्छे से गोल करके और फिर हाथों की सहायता से इस तरह रोटी बनाऊंगी। आप हाथों को इस तरह करते जाइए और अपने लोई को इस तरह गोल करते जाइए इस तरह। ये देखिए और हमारी गोल अच्छी सी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह आप रोटी गोल करते जाइए। आप रोटी को इस तरह पलटते जाइए हाथों की सहायता से, हथेली की सहायता से, और इस तरह आपकी रोटी गोल हो जाएगी। ये देखिए कितनी, ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी तीनों तरीके से बनकर एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। थैंक यू।